नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। माता भगवती की कृपा आप सभी पर बना रहे, मैं यही मंगल कामना करता हूं। आप बराबर YouTube चैनल में करीब करीब लोग देख चुके हैं कि वशीकरण कैसे करते हैं, वशीकरण क्यों किया जाता है, पत्नी को वशीकरण कैसे करें, पति को वशीकरण कैसे करें, ये सारे चीज़ आप जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते हैं और YouTube और Google पर आप लोग बराबर सर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी पर कोई वशीकरण कर दिया है, अगर किसी पर कोई मोहिनी विद्या का प्रयोग कर दिया है, कोई अगर सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर दिया है काला जादू के जरिए, तो उसकी काट क्या है। तो ये चीज़ को मैं आज आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ कि किया कराया काला जादू सम्मोहन और वशीकरण का काट के विषय पर, कि सम्मोहन और वशीकरण का काट कैसे हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति या आपके घर की कोई भी सदस्य अगर किसी के व्यक्ति के प्रति उनका झुकाव बढ़ गया है, सम्मोहित हो गया है, या उनको खिलाकर पिलाकर किसी भी तरह से उनको वश में कर लिया है और वो व्यक्ति आपके घर के प्रति नफरत का भावना होने लग गया है, आपके बाल बच्चों को नहीं देखना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपके ऊपर में नहीं देखना चाहते हैं, तो ये लक्षण है कि समझ लीजिए किसी ने किसी प्रकार का कोई ना कोई उसके ऊपर में काला जादू का प्रकोप कर दिया है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो मैं ये लक्षण पहले बताया हूँ कि काला जादू का लक्षण क्या है। कोई किसी पर कुछ प्रभाव कर देते हैं, वशीकरण कर देते हैं तो क्या होता है। तो अगर किसी व्यक्ति पर वशीकरण क्रिया कर दिया जाए तो उनको घर के प्रति उनको नफरत की भावना हो जाता है और घर में तरह तरह का उनको जो है मन नहीं लगेगा, बेचैनी मन होने लगेगा, ये सब चीज होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आप कैसे बच सकते हैं और वशीकरण का काट क्या है, सम्मोहन विद्या का काट क्या है, आप कैसे इसको काट कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन आप एक काम कीजिएगा, जो व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट फोटो लीजिएगा, ये पासपोर्ट फोटो, और इस फोटो पर गोंद लगा करके आप एक मोटा सा पेपर ले लीजिएगा, मोटा पेपर, और इस मोटा पेपर में गोंद दे करके इस फोटो को साट दीजिएगा, ऐसे जब पूरी तरह से ऐसे साट दीजिएगा, जब सट जाए तो आप मार्कर कलम से, लाल मार्कर कलम से जो है कि उस पर उनका नाम लिखिएगा, उनका पिता का नाम लिखना है, और उसके बाद जो है पूजा स्थान में या भगवाता भगवती के स्थान पर इसको रख करके 108 बार ये मंत्र का जाप कीजिएगा, वो चामुंडा देवी का मंत्र है, ओम ह्रीं चामुंडा देवी नमो नमः, ओम ह्रीं चामुंडा देवी नमो नमः, ओम ह्रीं चामुंडा देवी नमो नमः। ये मंत्र को आप 108 बार जाप कीजिएगा और जाप करने के बाद 3 लाल उड़हूर का फूल या जवा फूल या लाल फूल लेकर के, जो माँ काली की तस्वीर में चढ़ता है, काली माँ का तस्वीर में चढ़ता है वो लाल जवा फूल लेकर के फिर आप एक मंत्र पढ़िएगा कि ओम ह्रीं चामुंडा देवी नमो नमः, ओम ह्रीं चामुंडा देवी नमो नमः। बस ये मंत्र को बोलते हुए उस तस्वीर के ऊपर भी फूल को एक एक करके चढ़ाना है, 3 फूल को चढ़ाना है और ये 3 तक का ये क्रिया करना है, 3 108 बार करके जाप करना है और 3 फूल को आपको चढ़ाना है। और चौथे दिन क्या करिएगा, ये सारे चीज़ को ले जा करके बहता हुआ पानी में या साफ या पवित्र पानी में ले जाकर उस तस्वीर को आप जो है उसको प्रवाह कर दीजिएगा। बस इतना कर दीजिएगा तो दिन प्रतिदिन रोगी जो है देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर में
आपको वो पूरी तरह से जैसा स्थिति में था वैसा स्थिति में घर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, उनका ब्रेन भी कन्वर्ट हो जाएगा। आशा और उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको मेरे भाषा को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का त्रुटि हो या जानकारी में आपको दिक्कत हो रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आप जा करके जरूर कमेंट कर लीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।